मोटोरोला G62 ये आ गया है और यकीन मानिए दोस्तों, होड़ लग चुकी है अनबॉक्सिंग की, फर्स्ट इंप्रेशन की और स्पेसिफिकेशन की। लोग भर भर के तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या इसमें खराबी है? इस चीज को कोई भी नहीं जस्टिफाई कर रहा है, और अगर कोई कर भी रहा है ना, तो वो बस एक दो पॉइंट कर रहा है। इनफैक्ट इसमें इतनी सारी खराबी और इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं कि अगर आप एक बार लेने के लिए ये स्मार्टफोन सोच रहे हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने बहुत हद तक ट्राई किया हुआ है कि हर एक डिसएडवांटेजेस को, कॉन्स को कवर करूं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं हूं एमएनजी और आपको मेरे चैनल एमएनजी टेक पर बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द गेम। उससे पहले यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने, सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो। कर दिया, चलो आगे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले डब्बे में, उसके डब्बे में क्या चीज नहीं मिली हुई है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए 33 वॉट का एटलीस्ट फास्ट चार्जर इनको देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया हुआ। दिया क्या हुआ है? 20 वॉट का नॉर्मल सा चार्जर बस खाली दिया हुआ है, इन्होंने एक चीज और नहीं दिया। और मैं अपील करना चाहता हूं कि आज अपने चैनल से कि यार आप लोग सब लोग इस चीज के लिए आवाज उठाओ, इस चीज के लिए कहो कि यार प्लीज हेडफोन तो प्लीज दो एटलीस्ट। यार पहले मतलब होता था कि हेडफोन भी मिलता था, धीरे धीरे सबने निकाल दिया। बट यार अब आप लोग कहोगे कि यार चार्जर भी लोगों ने निकाल दिया, इन्होंने तो चार्जर दिया। यार देखो, पैसा तुम दे रहे हो, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये दे रहे हो ना, फ्री का आता नहीं है वो, समझे? तो अपना हक है कहना कि एटलीस्ट कहो, कहो, क्या पता आगे आने वाले टाइम में वापस से वो सारी चीज बैक हो जाए। ओके, कम टू द पॉइंट, अब बात करते हैं डिजाइन की। यार डिजाइन एंड बिल्ड आपको अगर थोड़ा सा ट्रेंडी में थीम चली जाती तो यार अच्छा हो जाता। एज जो है आपकी फ्लैट एज हो जाती, जहां कर्व एज दिया है वहां फ्लैट एज हो जाती, तो यार पैसे में कोई कटौती नहीं होती, देखने में थोड़ा सा क्लासिकल और आज के यूथ के हिसाब से ये फोन और अच्छा लगता। साथ में अगर डिजाइन की ही बात कर रहा हूं, तो जो बैक में आपको दिया गया एक्रेलिक ग्लास PMMA का बैक दिया हुआ है, ठीक है, ये एक ऐसा बैक है जिसमें सबसे ज्यादा स्क्रैच आ जाते हैं और बहुत जल्दी आ जाते हैं, और ये वाकई में शो भी करता है। समटाइम्स इसमें देखने के लिए मिला कि फिंगरप्रिंट भी आपको उसमें दिखाई देंगे, ये चीज कोई भी नहीं बता रहा। आपको इसमें एक चीज और मिल सकती थी, और मिली क्या है आपको, साइड में आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए। यार ये तो मिला हुआ है, फ्रंट पे आपको फेस अनलॉक भी आप दे सकते थे, जो कि आपने इसको नहीं दिया हुआ। दोस्तों यार करना ये चाहिए कि इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देना चाहिए, बट इन्होंने क्या दिया हुआ, हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है फुल HD का दिया हुआ है, अमोलेड स्क्रीन डिजर्व करता था। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो मैं परफॉर्मेंस की जहां बात करता हूं, 6 nm पे 695 स्नैपड्रैगन आपको इसमें मिलेगा। देखिए ये स्नैपड्रैगन चिपसेट की आपको एक मैं डिसएडवांटेज बताता हूं, इसमें यार जो मुझको सबसे ज्यादा मतलब फील हुआ कि ये जो प्रोसेसर है 6 nm पे बेस है, इट इज वेरी गुड, बट यार ये एक हेल्दी स्मार्टफोन के लिए चिपसेट नहीं बना हुआ, ये बस एक ऐसे पर्सन के लिए बना हुआ है जो अगर नॉर्मल यूज करना चाहता हो बस। इस चिप सेट के साथ आपका इशू क्या है, ज्यादा देर अगर आप गेम खेलोगे तो ये हीट करने लगेगा और आपको लिटिल बिट लैग सेक्टर आपको देखने के लिए इसमें मिल सकता है। परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मुझको अब तक का इस प्रोसेसर का ये लगा। लाख कोई कह ले कि ये बहुत अच्छा ट्यून किया हुआ, बहुत अच्छा यूज किया हुआ है, बट लिटरली यार आप यूज कर लो, आप ये फोन ले लो, आप उसके बाद जब आप घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटा चला लोगे तो आपको खुद ही इसमें फर्क समझ में आने लगेगा। ओके, ये चीज सही कैसे हो सकती है? देखो पहली चीज तो सही तो इस बजट रेंज में नहीं हो सकती है, माइंड अपना मेकअप कर लीजिए। अगर आप ये फोन लेने जा रहे हो कि ये चीज आगे आने वाले वक्त में हमको फेस होने के लिए मिलेगी, तो दिमाग आपका पहले से एक्टिव रहेगा कि हाँ ये चीज होगी, अगर होगी भी तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं किस चीज की, कैमरे की। यार कैमरे से मैं बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट होता हूँ, मतलब ये चीज कंपनी कर सकती थी, बट पता नहीं न जाने क्यों लोग कैमरे पे फोकस कर ही नहीं रहे। मतलब आप बजट रेंज में अगर आप स्मार्टफोन निकाल लें तो एटलीस्ट यार आप उस पर
फोकस करिए कि हाँ अगर कोई मेरा बजट फ़ोन अगर कोई ख़रीद रहा है तो किस बेसिस पे ख़रीदेगा। कुछ चीज़ें आपने अच्छी दी है। देखिए अगर कैमरे की बात करें तो कैमरे में सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ा कौन सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस मुझको लगा ये, और ये चीज़ सही किया जा सकता था। रियर में आपको 3 सेंसर मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का। सेल्फी आपको जो मिल जाएगी वो 16 मेगापिक्सल की मिल जाएगी। ओके अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए 2 मेगापिक्सल के सेंसर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप सर्वे कराइएगा तो आपको पता ये चलेगा कि मैक्रो सेंसर 10 out of 2 यूज़र्स खाली यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ ये यूज़ होता नहीं है। तो आप इसकी जगह पे आप जो सेल्फी आपने दिया हुआ है 16 की जगह 32 कर देते तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है लोग व्लॉग शूट कर रहे हैं, सेल्फी सबसे ज़्यादा लेने वाली चीज़ हो चुकी है। अगर कैमरे पे सेल्फी अगर आप कर देते तो मोस्ट पसंदीदा फ़ोन उनके लिए भी ये बन जाता जो सेल्फी लवर्स हैं। मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको सही किया जा सकता था और इन्होंने किया नहीं। ये मेरी ओपिनियन है, ये मेरी सोच है कि ये चीज़ हो सकती थी। तो अब आते कंक्लूजन पर कि ये स्मार्टफोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इतनी खराबियों के बावजूद। ओके ये स्मार्टफोन ज़रूर लेना चाहिए। देखिए अगर आपका बेसिक यूज़ है कि थोड़ा सा आपको स्टोरेज अच्छी मिल जाए, जस्ट लाइक 20,000 की रेंज में आपको 8 GB रैम और 128 GB रोम मिलेगी। इसमें 2 वेरियंट आपको मिलेगा, वो मिलेगा 6 GB रैम, 128 GB रोम, 8 GB रैम, 128 GB रोम। मेरे हिसाब से ये जिस स्पेसिफिकेशन पे आया हुआ है 6 GB वाले वेरिएंट की कीमत होना चाहिए करीब करीब 15,000 रुपये, और 8 GB 128 GB वाले वेरिएंट की कीमत होनी चाहिए करीब करीब 18,000 रुपये। लेना चाहिए ये फ़ोन, लेकिन दिमाग में एक चीज़ ये रखे रहिए, जो जिस पॉइंट मैंने बताया ये आपको आने वाले वक्त में ये फेस करने के लिए मिलेगा। तो ये अपना मेंटालिटी को आप पहले से डेवलप कर लीजिए कि अगर इस फ़ोन के साथ जाना चाहते हैं, हाँ ये फ़ोन आप डेली टू डेली टास्क करना चाहते हो तो आप आराम से ये फ़ोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि क्लीन UI इसमें मिलेगी आराम से, कोई ब्लोटवेयर नहीं मिलेगा। जो भी ब्लोटवेयर मिलेगा वो आप आराम से डिलीट कर सकते हो। तो आई होप सो कि आपको बहुत हेल्प मिली हो कि ये चीज़ क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। ओके दोस्तों ये सारे ओपिनियन हैं मेरे खुद के, आई होप सो कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिली होगी। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप सब्सक्राइब।